रोहित शर्मा की एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हुई जब वो केकेआर गए थे खेलने के लिए, केकेआर के अगेंस्ट ईडन गार्डन में, तो वो वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हुई है। पहले आप वो वीडियो देख लें, उन्होंने उसमें क्या कहा। जैसी ये वीडियो वायरल हुई है, सब लोगों की अटकलें लगाई जा रही थी कि वो केकेआर को ज्वाइन कर लेंगे, हो सकता है नेक्स्ट सीजन वो केकेआर को ज्वाइन कर लेंगे। मिक्स इमोशंस रहे फैंस के, बहुत सारे फैंस के रिएक्शंस आए, ये मैं आपके पोस्ट कर दे रहा हूँ सब कुछ। सो मुझे नहीं लगता है कि वो केकेआर ज्वाइन करेंगे। आखिर क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ, आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ऐसी वीडियोज के लिए भी बेल नोटिफिकेशन दबा लें ताकि मैं जब ऐसी वीडियोज बनाऊँ तो आप तक जरूर पहुंचे। तो चलिए बात करते हैं रोहित शर्मा के बारे में। क्या जब वो 2025 के मेगा ऑक्शन में जाएंगे तो क्या उनको कौन सी टीम खरीदनी चाहिए, वो मैं आज आपको बताने वाला हूं। बिकॉज अगर वो केकेआर में जाएंगे तो हो सकता है कि उनको फिर से वो मौका नहीं मिले, बिकॉज केकेआर अभी पूरी स्टेबल टीम लग रही है, वहां पे रोहित शर्मा के लिए कोई भी जगह दिख नहीं रही है। हालांकि अटकलें ये भी थी कि उनको ट्रेड किया जाएगा डेविड वॉर्नर से दिल्ली कैपिटल्स के लिए, लेकिन वो भी शायद हो नहीं पाया। तो यहाँ पे अब क्या है कि या तो वो जाए लखनऊ सुपर जायंट्स में, या सबसे अच्छी टीम उनकी रहेगी पंजाब किंग्स। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ, क्यों पंजाब किंग्स उनके लिए सबसे अच्छी रहेगी? एक सबसे पहली चीज, हम लोगों ने देखा कि जब उनको कैप्टनशिप सौंपी गई थी मुंबई इंडियंस की, हर लोग नए थे। तो यहाँ पे पंजाब किंग्स के जो प्लेयर्स हैं सब लोग नए हैं, सब लोग इनएक्सपीरियंस प्लेयर हैं। हालांकि वहां पे एक दो प्लेयर्स आपको एक्सपीरियंस मिल जाएंगे, लेकिन वो इस तरह की कमाल नहीं कर पा रहे हैं। चाहे वो शिखर धवन वो स्टार्टिंग के कुछ मैचेस खेले वो, लेकिन उसके बाद फिर वो इंजर्ड हुए, फिर वो टीम में दिख ही नहीं रहे। तो यहाँ पे अगर रोहित शर्मा जाते हैं पंजाब किंग्स के लिए, तो वहां पे हो सकता है कि एक तो वो ओपन अच्छा करेंगे, उसके बाद वो कैप्टनशिप अच्छी कर पाएंगे। यंग लड़के हैं, उनका यंग लड़कों से बहुत अच्छा उनका ट्यूनिंग बैठता है, हम लोग ने देख चुके हैं। चाहे वो गार्डन वाली सीन हो, चाहे वो टेस्ट हो, किसी चीज में भी उनका जो ट्यूनिंग है यंगस्टर से बहुत अच्छा बनता है, और वो पंजाब किंग्स को हो सकता है पहला आईपीएल ट्रॉफी वो जिता दे अगर 2025 में वो अगर मेगा ऑक्शन में जाते हैं तो। अगर मुंबई इंडियंस रिटेन करती है तो मुंबई इंडियंस के लिए भी ये प्रॉब्लम होगा, बिकॉज अगर वो फिर से रिटेन करती है तो हो सकता है कि फिर से दो गुट में बट जाए मुंबई इंडियंस की टीम। एक तरफ रोहित शर्मा के प्लेयर्स फ्रेंड्स, और एक तरफ हार्दिक पांड्या को जो सपोर्ट करते हैं वो हो जाए। तो मुझे लगता है कि अगर मुंबई इंडियंस को चाहिए कि वो अगर रिटेन नहीं होना चाहते हैं उनको रिलीज करें, और पंजाब किंग्स को चाहिए, प्रीति जिंटा जी ये आपके लिए, पंजाब किंग्स को चाहिए। अगर आपको 25 करोड़ भी देना पड़े रोहित शर्मा के लिए तो आप उसके लिए जाइए, बिकॉज ये प्लेयर आपको पहली ट्रॉफी ला के देगा। और इसके लिए हो सकता है कि LSG भी रोहित शर्मा के लिए जाए, बिकॉज यही दो टीम जो है रोहित शर्मा को अफोर्ड कर सकती है, और यही दो टीम में अगर वो जाते हैं तो उनकी इज्जत भी होगी, और उसके बाद हो सकता है पंजाब किंग्स या LSG दोनों को वो पहला आईपीएल ट्रॉफी जिता सके। आपको क्या लगता है, जो रोहित शर्मा के फैंस हैं आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताएं, और क्या लगता है क्या रोहित शर्मा कितने करोड़ में बिकेंगे अगर वो मेगा ऑक्शन में जाते हैं, कमेंट करना ना भूलें। और ऐसी वीडियोस के लिए लाइक फॉलो सब्सक्राइब कर लें। कीप वॉचिंग स्पोर्ट्स।